एक्वेरियम के बाहर लाइन लगी हुई है। तो दोस्तों एक्वेरियम के अंदर फाइनली एंट्री हो गई है, उन्होंने गेट पर हमारे टिकट चेक किए और अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। मास्क लगाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लोग हैं अंदर और इनसाइड है, तो यहाँ पर मास्क पहनना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो एक्वेरियम है एक्चुअली उनमें बहुत छोटी छोटी फिश है अभी, तो बड़ी ये वाली है कहाँ मिलेगी। ये देखो बहुत ही सुंदर कलर है इनकी, निखर के और एकदम पॉम्फ्रेट जैसे नहीं लग रही, पॉम्फ्रेट बनाते हैं ऐसी। हाँ। वो ब्लैक वाली जो ऐसी लग रही है जैसे पोल्का डॉट्स की ड्रेस आती है ना, सेम वैसी ब्लैक पे येलो का डॉट है ऊपर इनका, इतना प्यारा कलर है ना जैसे ड्रेस में होता है ना शिमरी वैसा है, बहुत ही सुंदर। ब्लैक स्पॉट पिराना, ओह पिराना है वो, पिराना तो काफी छोटी होती थी हमें लगता था, लगता थोड़ी बड़ी साइज की पिराना है ये, मतलब ये हाथ से ही बड़ी है। ऑरेंज और सिल्वर का ग्लिटर एक्चुअली में शायद एक्वेरियम भी बहुत यूनिक सा है, ये ग्लास ना लेंस की तरह लग रहा है क्योंकि हमें बहुत ही अलग से फील आ रही है। देखो नीचे ब्लैक कलर की कैसी पड़ी हुई है वो, इधर भी है। हाँ। अगर बहुत पास से देख रहे हैं ना अंदर तो आंखों पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है लेंस के अंदर देख रहे हो एकदम डायरेक्ट, तो कुछ तो इसमें लगाया हुआ है अलग से। इसको बोलते हैं रेड लायन फिश है, इसके प्रिंट भी देना लायन जैसे, टाइगर प्रिंट है बेसिकली, मैं पता नहीं क्यों लायन क्यों रखा हुआ है नाम। अब आ रही है दूसरी वाली आ रही है। अश्लीलता फैलाते हुए एक्वेरियम में लाला है चार्को पालना पॉप फिश, बहुत छोटी है ये भी, देखो इतनी है, देखो इतनी बस, इतनी छोटी फिश है बस ये फिश है, प्रॉन जैसा लग रहा है, फिश तो लगी नहीं गई। ओ ये वाला बड़ा है काफी। हाँ इसमें शार्क्स भी हैं, शार्क्स हैं इसमें। हैमर शार्क लग रही है देखने में, पर ये शार्क ज्यादा बड़ी नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी सी शार्क है। हाँ ये देखो नीचे लाइनिंग वाली कितनी अच्छी लग रही है, फाउंडिंग नीमो जैसी नहीं लग रही देखने में। नीमो जैसी है नहीं, नीमो के अंदर जो एक वो बोलने वाली होती है। हाँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ उधर अभी कितना बड़ा है यार ये, अंदर तक दिख रहा है पूरा फिश। हाँ। बहुत बड़ा एक्वेरियम है वाला, इसमें तो बड़ी भी है। ये येलो कलर वाली कितनी बड़ी है, ये तो हेलीकॉप्टर जैसी लग रही है, पफर फिश लग रही है। हेलो इनको आवाज आती भी होगी, ये देखो यहाँ तक था अभी तेरे पीछे शार्क अटैक हो रहा है। शार्क टैंक में आ गए हम लोग, इंडिया में शार्क टैंक है, ये शार्क टैंक। हाँ इनकी दुनिया हमसे ज्यादा बड़ी है, बड़ी है और बड़ा सुंदर भी कह ही सकते हैं, कितनी अच्छी लग रही है। ये फिश तो ऐसी लग रही है जैसे कि ये पत्थर की बनी हुई है, ये पत्थर की छोड़ कितनी बड़ी है देख। हाँ, ये बहुत ये बड़ी है, कम 4 या 5 फुट लंबी लग रही है, 6 फुट की भी होती है। ये देखो ये वाली फिश हाई करने आई है हम लोगों को, स्माइल ही देखो स्माइल कर रही है वो भी आ गई देखो उसके साथ साथ। हेलो फ्रेंड्स, आई कांट हियर यू, हाय।
जेली फिश। हाँ मशरूम की तरह लग रहा है ये। ये छोटा सा पॉन्ड है ताकि बच्चे फिश के साथ थोड़ा बहुत खेल सके। ये सी स्टार है बहुत छोटे छोटे से। ये दिखाया जा रहा है कि कैसे इंसान कार्डबोर्ड और पेपर पानी में डाले जा रहे। दिखा रहे हैं कि दो महीने बाद भी कार्डबोर्ड कैसे अभी भी पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है और अभी भी ऐसा कैसा ही गंदगी मचा रहा है पानी में। वाटर ग्लास सी में डाल देता है ना और वो हार्म करता है फिर सी लाइफ को, वैसे ही सेम यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर इतने टाइप्स की फिश हैं, इतनी तरह की मछलियाँ की आज तक हमने कभी देखी नहीं है, नाम तक नहीं सुने। तो गाइस अभी उतना बताने के लिए कुछ है नहीं, आप बस व्यू को एंजॉय करिए, अलग अलग तरीके की फिश देखिए और मजे लीजिए। अलग ही एलियन तरह के कुछ प्रजातियां हैं और देख रहे हो ना ये एकदम संसार की तरह लग रहा है। हाँ पेड़ सा लग रहा है, मगर पेड़ है नहीं है। कितने सारे हैं, ऊपर भी है बहुत सारे। ये साईफाई मूवीज में देखा था क्रिएचर। और शू क्रैब, मोस्ट प्रॉब्ली ये क्रैब जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे सनलाइट बहुत कम रहती है तो इसलिए इनके लिए लाइट बहुत कम करी हुई है। मछलियों की दुनिया कितनी खूबसूरत है, कलर इतने प्यारे लगते हैं ना इनके, बहुत सुंदर है। इतने सारे कलर्स हैं एक साथ, कितना सही है ना। प्रिंट बहुत मस्त है। और ये सी अर्चन से बहुत जहरीला होता है, इसमें पैर अगर ना कुछ भी हो जाता है। अरे क्लीनर श्रिम क्लीनिंग करता है यहाँ। ये फिश बहुत बड़ी है, कम से कम 4 या 5 फीट लंबी है। कैटफिश जैसी लग रही है ना, इसकी मूछें हैं ना, कितनी बड़ी कैटफिश है। आई थिंक 2-3 फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर हमारा हो गया, अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर की ओर।